जी घर में लगा रहे थे सर, परमिशन के लिए नहीं, गुड फेथ एक प्रेस है वहाँ, प्रेस में ब्रांडिंग हो रही थी वहीं पे, आपके कलेक्ट्रेट के सामने ही वो प्रेस है। अच्छा जी जी, तो वहीं ना हॉर्न खुलेगी, वहीं ना ब्रांडिंग होगी, अपने यहाँ प्रेस नहीं, वहीं पर खुलना है। अच्छा, अब वहीं पर उसकी ब्रांडिंग होनी है। जांच किया जा रहा है कि गाड़ी में परमिशन है कि नहीं है, कागज की जांच किया जा रहा है कि ये गाड़ी रोड पर था तो परमिशन के लिए गया था। इन्होंने बताया कि परमिशन के लिए गया था, इसका हमने लिया है कागज, उसको हम एसडीओ साहब के भेजेंगे, सिंगल विंडो में आवेदन है कि नहीं है इसकी जांच। क्या आरोप क्या लगा हुआ है? जांच किया जा रहा, आरोप कुछ नहीं, आरोप क्या, गाड़ी का जांच हो रहा है कि इसकी परमिटेड गाड़ी है कि नहीं है, और उसमें डीजल लगा है कि नहीं, डीजे बजा था कि नहीं, सब जांच। अभी जब कुछ नहीं किया जा रहा है, जांच के लिए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है, पुलिस जो पूर्णिया पुलिस है वो सीधे पप्पू यादव के आवास पे छापे मारने करने पहुंच जाती है। लगभग सैकड़ों की संख्या में पुलिस तैनात हो जाती है और चारों तरफ से पप्पू यादव के आवास को घेर लेती है और देखती है आखिर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ लेन देन कर रहे हैं, आखिर कर क्या रहे पप्पू यादव, इतना बड़ा जनसैलाब उमर कैसे रहा है। इसको लेकर के लगातार पुलिस वहां पे पहुंची, डीएम एसपी भी पहुंचे और तमाम चीज़ की जानकारी ले लें, साथ ही साथ वहां पे जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर पप्पू यादव इतने बड़े तौर पर कैंपेनिंग कैसे कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार हो गए, ना तो राजद का सपोर्ट है ना कांग्रेस का, कांग्रेस के तो नेता बन गए लेकिन कांग्रेस भी अब सपोर्ट नहीं कर रही है। तो ऐसे में जैसे ही प्रशासन पहुंचती है तो उस इलाके में हरकंप मच जाता है, कार्यकर्ता जो है दहशत में आ जाते हैं कि आखिर प्रशासन को क्या सूचना मिली जो सीधे पप्पू यादव के आवास पे पहुंच गई है और इतने बड़े तौर पे जो है प्रशासन पहुंची, आखिर क्या हुआ, डीएम एसपी को क्यों आना पड़ गया, क्या सीएम नीतीश कुमार की साजिश है या राजद या कांग्रेस वाले की साजिश है किसी तरह पप्पू यादव को फंसा करके उन्हें जो है उनका नामांकन रद्द करवा दिया जाए। देखिए जिस तरीके से आचार संहिता लागू हुआ है, ऐसे में प्रशासन के द्वारा वहां पहुंचना होता है तो उसको लेकर के काफ़ी खलबली मची रहती है और काफ़ी परेशान हो जाते हैं, पप्पू यादव भी परेशान रहते हैं। लेकिन इसी बीच डीजे को उठा करके वहाँ से ले जाया जाता है सीधे पुलिस थाने में, उसके बाद पप्पू यादव भी काफ़ी बेचैन रहते हैं। इससे पहले भी आपने देखा कि एक अधिकारी के साथ जो मजिस्ट्रेट वहां पे तैनात किए गए थे उसके साथ तूतू में हो गई थी, खूब झड़प हुई, खूब एक दूसरे से बहस कर रहे थे, उनके कार्यकर्ता जब झड़प गए तो पप्पू यादव भी कहते हुए नजर आया अधिकारी को, बिल्कुल नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ जब ये घटना घटी उसके बाद जो है सैकड़ों की संख्या में वहाँ पे प्रशासन पहुँच जाती है, उसके बाद देखिए किस तरीके से छापेमारी हो रही है और तमाम पुलिस जो है वहाँ एक एक चीज़ की जांच कर रही है, आखिर क्या कुछ हो रहा है, कैसे कर रहे हैं पप्पू यादव। आप देखना दिलचस्प रहता है कि आगे पप्पू यादव के साथ क्या कुछ होता है। तब तक के लिए बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ, कमलेश कुमार लाइव बिहार पटना। गाड़ी मंगवाने यार, बहुत जाने के लिए गाड़ी तो क्यों नहीं गाड़ी आ रहा है, गाड़ी को भेज दो यार, क्या ना कर रहे हो, कोई भी चीज़ के नियम कानून है ना, एसडीओ ऑफिस के बाकी परमिशन के लिए नहीं, गुड फेथ एक प्रेस है वहाँ, प्रेस में ब्रांडिंग हो रही थी वहीं पे, आपके कलेक्ट्रेट के सामने ही वो प्रेस है। अच्छा जी जी, तो वहीं ना हॉर्न खुलेगी, वहीं ना ब्रांडिंग होगी, अपने यहाँ प्रेस नहीं, वहीं पर खुलना है। अच्छा, अब वहीं पर उसकी ब्रांडिंग होनी है। जांच किया जा रहा है कि गाड़ी में परमिशन है कि नहीं है, कागज की जांच किया जा रहा है कि ये गाड़ी रोड पर था तो परमिशन के लिए गया था। इन्होंने बताया कि परमिशन के लिए गया था, इसका हमने लिया है कागज, उसको हम एसडीओ साहब के भेजेंगे, सिंगल विंडो में आवेदन है कि नहीं है इसकी जांच। क्या आरोप क्या लगा हुआ है? जांच किया जा रहा, आरोप कुछ नहीं, आरोप क्या, गाड़ी का जांच हो रहा है कि इसकी परमिटेड गाड़ी है कि नहीं है, और उसमें डीजल लगा है कि नहीं, डीजे बजा था कि नहीं, सब जांच। अभी जब कुछ नहीं किया जा रहा है, जांच के लिए। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।